तो भाई लोग कल की 298 एडी मूवी की 7 दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 725 करोड़ से ज्यादा हो चुका है। इसका मतलब यह है कि सलार की लाइफ टाइम कलेक्शन को वो तोड़ दिया है 7 दिन के अंदर। और 275 करोड़ जरूरत पड़ती है 1000 करोड़ को पूरा करने के लिए। अगर हम रफ्तार की बात करें कि किस तरह का रफ्तार है, क्या कलेक्शन धीमा होने लगा है, मतलब पर डे कलेक्शन जो है, तो नहीं। आज डे 8 चल रहा है और वर्किंग डे के हिसाब से, वर्किंग डे में जिस तरह का कलेक्शन जा रहा है, जैसे बड़ी बड़ी फिल्में, जितने भी 1000 करोड़ की फिल्में हैं, वो सारी फिल्मों का जिस तरह का रफ्तार जा रहा था, वही रफ्तार को पकड़ा हुआ है। अभी मैंने 1-1.5 घंटे पहले जब देख रहा था तो 8 करोड़ समथिंग कलेक्शन हो चुका था आज के दिन का, ओके, डे 8 का। तो इसका मतलब ये है कि आज भी इंडिया नेट कलेक्शन जो है वही 24 टू 25 करोड़ हो जाएगा, ओके, 25 करोड़ तक का हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि आज का भी ग्रॉस कलेक्शन जो है 40 से 50 करोड़ हो जाएगा। तो वर्किंग डे के डे में जिस तरह का कलेक्शन होना चाहिए, वही रफ्तार को कल की 298 एडी मूवी आज भी पकड़ा हुआ है, ओके। और 275 करोड़ चाहिए, तो 275 करोड़ ही चाहिए, जो कि भाई अगर अभी कलेक्शन धीमा भी हो जाए तो भी ये आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये लंबा चलने वाला है, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई कल की 298 एडी मूवी को टक्कर देने जैसा फिल्म नहीं आ रहा है अभी, तो ये लंबा चलने वाला है, ओके। लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि लंबा जाएगा तभी 1000 करोड़ होगा। ये 12 दिन में जो आपको बताया था ना एक वीडियो पे, थंबनेल पे ही लिख दिया था कि डे 12 तक 1000 करोड़ पूरा हो जाएगा बोल करके, भाई लिख करके ले लो, 12 दिन के भीतर, डे 12 के भीतर कल की 298 एडी मूवी का 1000 करोड़ आराम से हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा, ओके। क्योंकि वर्किंग डे का जो रफ्तार है ना भाई, वो कम नहीं हो रहा है, और आ रहा है फिर वीकेंड, सेकेंड वीकेंड, ओके, सैटरडे संडे, तो भाई मान करके चलो 150 करोड़ आराम से है, ठीक है ना, 150 करोड़ आराम से है, ठीक है। मतलब संडे को 100 करोड़ के पार जा सकता है, और नहीं सॉरी, संडे को 80-90 करोड़ तक का हो सकता है, और सैटरडे को 60-70 करोड़ तक का हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि 150 करोड़ सैटरडे संडे को हो जा रहा है। तो बाकी और जो 2-3 दिन रहते हैं वीकेंड में, मतलब आज का दिन हो गया, आज है थर्सडे, फिर फ्राइडे, ऐसे 2 दिन को मिला करके अगर हो जाते हैं, तो मंडे तक मान करके चलो भाई, मंडे तक आराम से आसानी से 1000 करोड़ हो रहे हैं, मुझे एकदम से दिख रहा है। मेरी प्रिडिक्शन में सुबह भी आपको बता रहा था कि मंडे तक 1000 करोड़ हो जाएगा, तो मंडे तक 1000 करोड़ होने की बहुत ही ज्यादा चांसेस है, मतलब 100% चांसेस है अगर इसी रफ्तार से जाएगा। रफ्तार तो सही जा रहा है भाई, ओके, रफ्तार तो सही जा रहा है। वर्किंग डे में अगर इस तरह का कलेक्शन दिख रहा है, तो संडे सैटरडे तो और भी ज्यादा जबरदस्त कलेक्शन होगा, ओके। तो गाइस, डार्लिंग प्रभास की 2nd 1000 करोड़ वाली फिल्म लोडिंग हो रही है, ये एक रिकॉर्ड जो कि शाहरुख खान का बस अभी तक था, जो कि प्रभास इसमें शामिल होने जा रहे हैं, और शायद यही वजह है जो कि शाहरुख खान के जितने भी डाई हार्ट फैन लोग हैं, वो लोग डर रहे हैं कि शाहरुख खान का जो एक रिकॉर्ड बना हुआ है कि 1000 करोड़ की फिल्म 2-2 बनने वाला, वो प्रभास का हो जाएगा। लेकिन शाहरुख खान का एक अल्टीमेट रिकॉर्ड है भाई, आप लोग उसमें संतुष्ट रहो कि 1 साल में 1000 करोड़ का 2 फिल्म आया था, ओके। तो उस तरह का मौका किसी और हीरो को फिर कैसे मिल रहा है, कहाँ मिल रहा है, वो देखना बाकी रहेगा, क्योंकि 1 साल में 1000 करोड़ का कलेक्शन करने वाली फिल्म, उतनी बड़ी लेवल की फिल्म 1 साल में 2-2 लाना, वो थोड़ा सा मुश्किल है ना, मतलब मौका है एक, ठीक है। तो प्रभास का 1000 करोड़ का, मतलब डार्लिंग प्रभास का 1000 करोड़ का 2-2 फिल्म होने वाली है ये कल की 298 एडी मूवी की पार्ट 1 से, पार्ट 2 क्या करेगा जरा सोचते रहो, ओके। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो $13.5 मिलियन हो चुके हैं मेरे भाई, जो कि RRR का ओवरऑल कलेक्शन जो है वहां पे 14 मिलियन है, ओके, 14 मिलियन है। मतलब आज का जब रिपोर्ट आएगा, कल जब हमें देखने को मिलेगा प्रथम गिरा सिनेमा की तरफ से, तो RRR को नॉर्थ अमेरिका में वो तोड़ दिया होगा 8 दिन के अंदर, RRR का ओवरऑल कलेक्शन का, ओके। तो जबरदस्त जा रहा है भाई, आपको क्या लग रहा है कि ये तूफान कहां जाकर के रुकेगा? RRR का जो ओवरऑल कलेक्शन 1300 करोड़ है, 1350 करोड़ है, ओके, 1350 करोड़ जो है, क्या उसको तोड़ पाएगा? क्या 1200-1300 करोड़ तक का जाएगा कल की 298 एडी मूवी? क्या लग रहा है भाई, 1000 करोड़ के ऊपर कितना जा सकता है कल की 298 एडी? इसके ऊपर आप जरूर कमेंट करिएगा, मुझे तो लग ही रहा है कि चला जाएगा, ओके, जिस रफ्तार को पकड़ा हुआ है और लोग जिस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं खास तौर पे, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब देखो, एक बड़ी स्टार, मतलब डार्लिंग प्रभास के जैसे एक एक्टर आएंगे, तो शुरुआती दिनों में तो कलेक्शन बहुत ही ज्यादा होगा, लिटरली बहुत ही ज्यादा होगा, लेकिन कल की 298 एडी मूवी ऐसा नहीं है, इस फिल्म को लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये जो सेलिब्रेशन है,
ये सेलिब्रेशन बहुत सारे लोग अभी तक नहीं भी उठाए होंगे, और बहुत सारे लोग ये इसका जो मल्टीपल वर्सन जो है, आईमैक्स है, 2D है, 3D है, तो उसमें देखेंगे, इसमें देखेंगे, इस तरह का भी भावनाएं हैं। और किसी फैमिली से अगर दो लोग गए हैं तो वो लोग सोचेंगे कि मैं नहीं, इनको भी लेकर के चलते हैं, ये लोग भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे मतलब भगवान की कहानी है, महाभारत के ऊपर फिल्म बनी हुई है, और उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करें हैं, बहुत बहुत वो बहुत बड़ी बात है। नहीं तो इन सारी चीज़ों का रेफरेंस तो हमें आए दिन बहुत सारी फिल्मों में देखने को मिल ही जाता है, लेकिन उसको अच्छी तरह से प्रेजेंट करना बहुत बड़ी बात होती है, जो कि इस फिल्म में है, जो कि लोगों को अच्छा लग रहा है, उसको एकदम से परफेक्ट तरीके से प्रेजेंट करे हैं, जो कि वो फील हो रहा है। फिल्म का इंटरवल देखो, फिल्म का क्लाइमेक्स देखो। ओके, इंटरवल क्लाइमेक्स में खास तौर पे जो डिवोशनल फीलिंग्स रखे हैं ना, मतलब आपको एक मास एक्शन फिल्म के हिसाब से भी गूज़बम्प्स देगा और एक डिवोशनल फील भी कराएगा। ओके, आप भगवान को याद करोगी, भगवान के बारे में जानने के लिए आपका मतलब इंटरेस्ट बढ़ेगा, तो वो सारा चीज जो है इस फिल्म के इंटरवल में, क्लाइमेक्स में रखा गया है, तो वो लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है लिटरली। ओके, इसी वजह से मुझे फर्स्ट हाफ थोड़ा सा धीमा जो है, वो सारा कुछ उसको लोग नहीं सोच रहे हैं, वो छोड़ दो ना यार, इंटरवल जबरदस्त है, क्लाइमेक्स जबरदस्त है, थिएटर से हम जब बाहर निकल करके आ रहे हैं, हम एक गजब का एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं, महाभारत के कई सारे कैरेक्टर से मिल करके आ रहे हैं, तो वो लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। ओके, तो ये जो सेलिब्रेशन है, यही सेलिब्रेशन ही, लोगों का ये इंटरेस्ट ही फिल्म को बहुत ही लंबा लेकर के जाएगा। और इसके सामने जो बाकी सारी फिल्में आ रही हैं, ये सारी फिल्में जो है फैमिली मटेरियल नहीं है, और मतलब सब लोग फिल्म को जाकर के एंजॉय करेंगे, बच्चे से लेकर के बूढ़े तक, हर एक ऑडियंस इसको एंजॉय करेंगे, और ये ऐसा नहीं है। ओके, और फिल्म का क्रेज भी एक मायने रखता है, तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो फिल्म जो है बहुत ही लंबा जाने वाला है। ओके, लोग इसको देखते ही रहेंगे, और ये फिल्म बहुत आगे जाएगा और काफी ज्यादा कलेक्शन करेगा। ओके, तो हम जो सोच रहे हैं, मतलब जो RRR का जो रिकॉर्ड है 1350 करोड़ जो है, ओके 1300 करोड़ की प्लस जो है भाई, उसको तोड़ने का चांसेस बहुत ज्यादा है। आपको क्या कहता है, आपका दिल क्या कहता है कि गल की 2980 मूवी का आखिरी मंजिल कितने करोड़ में है, जरूर कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।